Welcome to Biology Parshala. Today's class is dedicated a NEET aspirant और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे प्रयास NEET Biology Practice Series की और इसमें हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं जो हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में. ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 72, द सेलुलर लेयर दैट डी जनरेट्स एंड री जनरेट्स अगेन एंड अगेन इज. तो सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द यूट्रस एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम जो होता है डीजनरेट होता है, फिर रीजनरेट होता है, फिर री अगेन रीजनरेट होता है. सो इस पॉइंट्स को याद रखेंगे. क्वेश्चन नंबर 73 को देखिए. इन अ मैमल फेल्योर ऑफ द टेस्टिस टू डिसेंट इनटू अ सेक्टोरल सैक इज नोन एज ए. सो जो फेल्योर ऑफ टेस्टिस है, ठीक है, जो सेक्टोरल सैक में बेसिकली होती है उसे बोलते हैं क्रिप्टोकॉर्डिज्म. क्या बोलते हैं? क्रिप्टोकॉर्डिज्म. सो ये बात याद रखेंगे. ठीक ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. कह रहा है कि स्पर्म एक्रोसोम हैज इक्रम स्पर्म एक्रोसोम हैज अ हाइलुरोनिडेज एंड द प्रोक्रोसिन प्रोटीन. ठीक है, सो बेसिकली हाइलुरोनिडेज प्रोटीन एंड एंजाइम वी कैन से डेट एंड प्रोनिक्रोसिन ये इसमें होता है. ठीक है, ये याद रखेंगे. तो एज वाला पार्ट होता है एंजाइम और सीन वाला पार्ट होता है प्रोटीन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76. ग्राफीन फॉलिकल इज मेंटेन बाई. सो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज नोन एज एफ एस एच एंड मेंटेन द ग्राफीन फॉलिकल. ओके, सो इस बात को याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द एम्ब्रियो एट द 16 सेल स्टेज इज नोन एज डेट इज द मोरूला. ओके, सो 16 सेल स्टेज जो होती है एम्ब्रियो की उसे मोरूला कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 79, विच पार्ट ऑफ द ओवरी इन द मैमल एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर द ओवुलेशन. ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो आफ्टर द ओवुलेशन एंडोक्राइन ग्लैंड काम करती है? डेट इज द ग्राफीन फॉलिकल. ठीक है, क्या होती है? ग्राफीन फॉलिकल होती है. तो इससे एक हार्मोन निकलते हैं, ठीक है, FSH. ठीक है, तो उसको आप लोग को याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन, अ बीडर कैनाल इज मीन फॉर द पैसेज ऑफ. सो बेसिकली दिस इज रिलेटेड फ्रॉम अ स्पर्म. ओके, सो ये बात याद रखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए. कह रहा था एंडोमेट्रियम इज द लाइनिंग ऑफ. तो यूट्रस में एक लाइनिंग होती है, ठीक है, दैट इज़ अ एंडोमेट्रियम लाइनिंग. ओके, इसे याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ द इम्प्लांटेशन ह्यूमन एम्ब्रियो इज सेल्ड इज अ, दैट इज़ अ इम्प्लांटेशन के समय ब्लास्टोसिस्ट सेल्स होती हैं. तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद भी रखना है आप लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ द गैस्टुलेशन इज. सो सेल्स मूव द एक्यूपाई देयर डिफाइंड पोजिशन. जहाँ पे सेल्स क्या हो, बेसिकली डिफाइंड पोजिशन में हो, उसी को बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन. क्योंकि यहाँ पे होता है ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस. तो स्पेसिफिक पोजिशन पे ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ऑर्गेन सेल्स का डिफ्रेंसीशन होता है और डेवलपमेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ओवम रिसीव द स्पर्म इन द रीजन ऑफ एनिमल पोल. सो बेसिकली ओवम जो है वो स्पर्म को एनिमल पोल पे रिसीव करेगी, ये बात याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए. कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ फॉल रिस्पेक्ट द वियबिलिटी ऑफ द मेमेलियन स्पर्म. तो मेमेलियन स्पर्म के रेफरेंस में कौन सा पॉइंट फॉल्स है? स्पर्म इज वियबल ओनली फॉर 24 आवर. ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो ये बात याद रखेंगे. ठीक है, स्पर्म इज वियबल फॉर ओनली 24 आवर, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इन अ नॉर्मल प्रेग्नेंट वूमेन द अमाउंटमेंट ऑफ द टोटल गैनेडोट्रोपिन एक्टिविटी वाज द एसेस्ड एंड द रिजल्ट एक्सेप्टेड वाज. सो बेसिकली दैट इज द हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग SCG टू स्टिमुलेट द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सिंथेसिस. सो ये बात याद रखेंगे, गोनेडोट्रोपिन एक्टिविटी में क्या होगा? सर्कुलेटिंग द SCG एंड दे रेगुलेट द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सिंथेसिस. सो इसको याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए.
कह रहा है द लीडिंग सेल्स आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर द सेक्रेटरी सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन। ओके सो ये बात याद रखेंगे। सॉरी, डैट इज़ द एस्किट्री सोर्स ऑफ द ग्लूकेगॉन और एक ग्लूकोज। ठीक है, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन कंटेंट होता है। ओके सो ये बात याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 119 को देखिए। मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन। ओके ठीक है। सो मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू द लैक ऑफ किसकी कमी से? बेसिकली प्रोजेस्टेरोन की कमी से फ्लो होता है। सो इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा? इट्स सेक्रीट द ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग द पार्चुरेशन। सो ये प्लेसेंटा का वर्क। सो ये बात आप लोग को याद रखनी है। आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको समझ में आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच सके। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन एंड कीप वॉचिंग, स्टे कंटिन्यू।